नीलू बताने जा रही हूँ दुर्गा सप्तशती पाठ में रखे 10 बातों का ध्यान। देवी आराधना हेतु दुर्गा सप्तशती पाठ का विशेष महत्व है, परंतु विशेष फल प्राप्ति के लिए इसका पाठ विधि विधान और नियम के साथ किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पाठ करते समय इन 10 बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जानिए कौन सी ये 10 बातें। किसी भी शुभ कार्य से पहले गणेश पूजन का विधान है, अतः सप्तशती पाठ से पूर्व ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर कलश स्थापना की गई है तो कलश पूजन, नव ग्रह पूजन एवं ज्योति पूजन किया जाना आवश्यक है। दूसरा, स्मृति पाठ से पूर्व श्री दुर्गा स्मृति की पुस्तक को शुद्ध आसन पर लाल कपड़ा बिछा कर रखें और उसका विधि पूर्वक कुमकुम चावल पुष्प से पूजन करें। तत्पश्चात स्वयं अपने माथे पर भस्म चंदन या रूढ़ी लगाकर पूर्वाभिमुख होकर तत्व शुद्धि के लिए 4 बार आचमन करें। तीसरा, श्री दुर्गा स्मृति के पाठ में कवच हरगला और कीलक सोच के पाठ से पहले शापों दाग करना जरूरी है। दुर्गा स्मृति का हर मंत्र ब्रह्मा वशिष्ठ और विश्वामित्र जी द्वारा शापित किया गया है। शापों द्वार के विनाश का सही प्रतिफल प्राप्त नहीं होता। चौथा, यदि एक दिन में पूरा पाठ न किया जा सके तो पहले दिन केवल मध्यम चरित का पाठ करें, दूसरे दिन शेष 2 चरित का पाठ करें, या फिर दूसरा मतलब यह है कि 1, 2, 1, 4, 2, 1 और 2 अध्याय का क्रम से 7 दिन में पूरा करें। श्री दुर्गा स्मृति में श्री देव अर्थव शीर्षम सोच का नित्य पाठ करने से राज सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है, परंतु इसे पूरे विधान के साथ किया जाना चाहिए। छठा, श्री दुर्गा स्मृति के पाठ से पहले और बाद में नरवाण मंत्र ओम ए भीम क्लीम चामुंडे विजय का पाठ करना अनिवार्य है। इस नरवाण मंत्र का विशेष महत्व है। इस एक मंत्र में ओंकार माँ सरस्वती माँ लक्ष्मी और माँ काली के बीच मंत्र निहित है। छठा, अगर श्री दुर्गा स्मृति का पाठ संस्कृत में करना कठिन लगता है और आप इसे पढ़ने में असमर्थ हो तो हिंदी में भी सरलता से इसका पाठ करें। हिंदी में पढ़ने के लिए आप इसका अर्थ आसानी से समझ पाएंगे। आठवां, श्री दुर्गा स्मृति का पाठ करते समय यह विशेष ध्यान रखें कि पाठ स्पष्ट उच्चारण में करें, लेकिन जोर से ना पढ़े और उतावले भी ना रहो। शारदीय नवरात्र में माँ अपने पूर्ण स्वरूप में होती है, अतः विनयपूर्वक उनकी आराधना करें। नित्य पाठ के बाद कन्या भोजन करना करना चाहिए। दुर्गा स्मृति के पाठ के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए ताकि जाने में आपके द्वारा कोई अपराध से मुक्ति मिल सके। दसवां, श्री दुर्गा स्मृति के प्रथम अध्याय पर उत्तर चरित्र का क्रम से पाठ करने से सभी मनोकामना पूरी होती है, इसे महाविद्या क्रम कहते हैं। दुर्गा स्मृति को उत्तम प्रथम और मध्य चरित्र के क्रमानुसार पाठ करने से शत्रु मास लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, इसे महातंत्री क्रम कहते हैं। देवी पुराण में प्रातः कल पूजन और प्रातः में प्रशासन करने को कहा गया। धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।